ओ श्री श्रीमद् भगवत श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशो विश्वरूप दर्शन योग अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय पर गोयमद्यात्मसंगीत युक्त वचस्तेन मोहोय विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् मन्यसे यदि तच्चक्यम मया द्रष्टोमि प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय श्री भगवान उवाच पश्यमे पार्थ रूपाणि शतशोदशहस्त्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिनिच पश्य आदित्यन वसुन् रुद्रां अश्विनौ मरुतस्तथा बहुण्य दृष्ट पूर्वानी पश्यस्यर्याणी भारत इह कस्थम जगत कृत्नम पश्यद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत्रस्तु मिच्छसि त तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामिते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्र कस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विष्टो भ्रिष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि तव देव देहे सर्वांस्तथाभूतविशेषसङ्घान् ्रह्माण्मीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गाञ्च देव्यान् अनेकबाहो दर्वक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप किटिनं गदिनं च कृणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयं

अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा हृद्मन्तरं हि व्याप्तन्त्व एकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुत रूप मुग्र तवेद लोकत्रय प्रव्यथि महात्म अमी तां सूर संघा विशंति केचिभीता प्राजल्यो गृणी स्वस्ती युक्त महर्षि

रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहोरुपादम् बहुदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् त्ता दीप्त विशालने दृष्ट ही प्रविता धृतिम विन्दाषम चेष्ण दंष्ट्राकला चे मुखा दृष्ट का सल निभा दिशो न जाने न ले चर्म जगन्निवास अमी चवाम धृतराष्ट्र से पुत्र सर्व सहैनिपाले ग्रीष्म द्रोणसूतपुत्र था सौ सहस मध्ये रपियो धमुके ही वक्त्राणि ते तर मानाविष्णति दंष्ट्रा करालानि भयान कानि केचिद् लग्ना चूर्णिते रूत यथा नदीनाम बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा लेलीह्यसे ग्रस मान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदेन तेजो भीरा समग्रम भासस्त वो वोग्र प्रतपति विष्णु आख्या को रूप नमोस्तु ते देव वर प्रसिद विज्ञाछात माध्यम नहीं प्रजानामितव तव प्रवृत्ति श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो लोकान तुमिह प्रवृत्तः रीते पित्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्माति यशो शत्रुन् जि शत्रुन्भुस्वराज्यम सम मे वैते निहता पूर्वमे निमितत्र भव द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान पिध वीरा माता जहिमा व्यतिष्ठा युध्य स्वेता शिणे सपत्ना संजय उवाच एकुत्वा वचनम केशव से कृताजलिवेपन किटी नमस्कृ भूय एवाह कृष्ण स अर्जुन उवाच के तव प्रकर्त्या जगत्र ह्यनज्य रक्षासी भीता दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यान्ति च सेदसङ्गा कस्माचितेन तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमाक्षरं सत्सतपरं यत् मादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वयाततं विश्वमनन्तरूप वायूर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपिता नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्व भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषिततोसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जानताम हिमानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावह सारथमस कृतोसी विहारशयसन भोजनेषु एकोथ्वाप्य क्षामये त्वामहम प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्सम्योत्सभदिक लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीषमेट्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट पूर्वम् दृष्ट्वा भये न च प्राव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देव प्रसीद देवेश जगन्निवास कीरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुममहं ततैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र बाहो भवीश्वमूर्ति श्री भगवान उवाच मया प्रसन्ने न तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगा तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तदन्ये न दृष्ट पूर्व न वेद यज्ञाधयनैर्न दानैर्न च क्रियार्न तपो भीग्रह एवं शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तदन्ये कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा घोर मित्रिं ममेदं व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्ततोक्त्वा स्व दर्शयामास भूय आश्वासम सीतमेनम भूवा पुनः महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदुषं तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृति ग्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान सियन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण नाहं वेदर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी द्रस्ट मं यथा भक्तिया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञात द्रष्टुम च तत्व प्रवेशुम च पर तप मकर्म मत कृण मत्पर्मो मद्भक्त मत संगवर्जिता निर्वैरह सर्वभूतेषु य समामेति पांडव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन्यागो योगो नाम एकादशो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु